लगातार हो रही गेहूं के खेत में आग लग जा रही है। आज फिर चौरी थाना क्षेत्र के 8 गौड़वा गांव के निवासी राज बहादुर उर्फ कप्तान सिंह लालता प्रजापति लालमन प्रजापति के लगभग 4 से 5 बीघा गेहूं के खेत जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नागरिकों के सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक किसानों की गेहूं की खेती लगभग 4 से 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि 8 गोड़वा गांव के निवासी राज बहादुर सिंह और कप्तान सिंह लालता प्रजापति लालमन प्रजापति के लगभग 4 से 5 बीघा गेहूं के खेत जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही 112 नंबर चौरी पुलिस पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड का कोई अता पता नहीं था। बीते चंद दिनों ऐसी ही घटना जगन्नाथपुर में लगभग 6 बीघा किसानों खेती जलकर राख हो गया था, लेकिन उसमें अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। फिर यह दूसरी घटना घट गई। लगातार किसानों के साथ हो रही ऐसा अन्याय हो रहा है। किसानों का खेत में खड़ी गेहूं का फसल भीषण आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। भारी संख्या में ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। किसानों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आग बुझाने के लिए आसपास में पानी भी नहीं थे। चिलचिलाती धूप व तेज हवा में किसान आग बुझाते दिखे। किसान इस महामारी से परेशान है व दूसरी तरफ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आज भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के इस बर्मा के समीप अठगुणवा गांव में आइए देखते हैं। लगातार आगजनी से गेहूं की फसल और किसानों की जो है मुंह की रोटी छीन लिया जा रहा है। क्या मैटर है, क्या मामला है, हाँ आप लोग खुद ही देख सकते हैं। हाँ लगातार आगजनी से किसी हाँ हर रोज़ कोई ना कोई घटना घटती चली जा रही है। ग्रामीणों भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ऑफ करो किसान है ना, आइए जानकारी लेते हैं। नाश हो गया भाई साहब, यहाँ हमारे बीच में मंजूर हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अरे साहब कहा बताए, हमारा कुल फसल बर्बाद हो, 3 बीघा का कुल फसल बर्बाद हो गया साहब। अब हमारे रोजी रोटी के का कैसे हुए का बताई साहब। अब क्या किसी पे आपका शक है? कहा साहब कुछ नहीं है, कुछ गोरू चरवाहा लोग रहे, कैसे जरिए कुछ हमें आता पता नहीं बटे साहब। ये घटना कितने बजे का है? ये घटना साहब 3:30 बजे के आसपास हुई है। क्या चोरी थाने को आपने जो सूचना दिया था? हाँ चोरी थाने पर साहब सूचना हमने दे दिया, लेखपाल को भी सूचना करी, लेकिन कोई अभी मदद के लिए नहीं आ गया है सर। चोरी थाना क्या बोला आपको? चौरी थाना आए थे देखे कि आइए वहाँ थाने पे। अब हम यहाँ अपनी फसल है उसको देखेंगे थाने पे जाए, आप बताइए क्या करें। कितने लोगों का फसल जला हुआ है? 3 लोगों का फसल जला हुआ है साहब। कितना बीघा? 3 बीघा, 3.5 बीघा, 4 बीघा जली है सर। 4 बीघा जली टोटल फसल। जी। कौन किसका? लालमन और लालता और कप्तान सिंह। जी। भैया आइए जानकारी लेते हैं। भैया का भी क्या नाम है भैया का? राज बहादुर सिंह। ये आगजनी जो हुआ है, खड़ी फसल जली हुई है, इसमें क्या कहना चाहेंगे भैया? हमारे इतने फसल हो रहा था, का करी कुछ जर गया, एकदम हमरे तो पहुंच नहीं गए। क्या किसी पे शक है भैया का? कोई शक नहीं भाई है, कैसे जरा बिजली से जरा कैसे जरा। क्या थाने पे आपने सूचना दिया था? बता दे कुछ चरवाहा लोग यहाँ गुरु चरावत जो उन वह चरावत रहे। हाँ साहब थाने पर सूचना दे रहे। किसी पे आपको शक नहीं है? नहीं शक नहीं, शक नहीं है भैया। चलिए ठीक है ओके। बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़ के प्रेस रिपोर्टर धनंजय राय के साथ। नमस्कार।